एक परचून की दुकान में आया हुआ हूँ, जो कि जिसको हम एक जनरल स्टोर कहते हैं। दोस्तों हम लोग अभी इस दुकान के मालिक से मिलते हैं। स्वागत है दोस्तों। आज मैं यहां पर एक परचून की दुकान में आया हुआ हूं, जो कि जिसको हम एक जनरल स्टोर कहते हैं, और इसका नाम पहले शोएबा वकाला था, लेकिन अभी इन्होंने बदल कर इसका नाम अकल जनरल स्टोर रख दिया है। ये अरबी में इसे हम एक वकाला कहते हैं दोस्तों। और यहां पर हम देखेंगे कि क्या क्या सामान मिलता है यहाँ पर इंडियंस के लिए, और जो है फिलिपिनोज के लिए, बांग्लादेशी के लिए, पाकिस्तानी के लिए, और इस तरह के सारे सामान यहाँ पर लोगों को यहाँ वो लोग बेचते हैं। इंडियन सामान भी काफी सारा यहाँ मिलता है। इसके हम आज मालिक से भी मिलेंगे दोस्तों, ओनर से भी, और पूछेंगे कि उन्होंने कैसे ये जनरल स्टोर यहाँ पर चालू किया और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और आप लोग एंजॉय करें। हम लोग अभी सीधे बकाले में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं हमें यहाँ क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों हम लोग इस दुकान के मालिक से मिलते हैं, जो जिनका नाम शहादत है, और हम लोग पूछेंगे कि वो कितने साल हो गए उनको यहाँ पर चालू किए हुए, और बाकी के सारे डिटेल्स हम उनसे जानने चाहेंगे। शहादत भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छे है। अच्छा तो बताइए आपको कितने साल हो गए अभी ये बकाला शुरू किया? तो इधर आया कुवैत में 1998 सितंबर में आया था। अच्छा, यहाँ पे हैं तो ये बकाला शुरू किए हुए अभी कितने साल हो गए आपको? अभी 21 बहुत साल से, मतलब 21 साल से अभी ये जो है सुपर मार्केट चला रहे हैं, जो की एक जनरल स्टोर है। तो आप मतलब किस तरह का यहाँ सामान मिलता है, क्या क्या मिलता है? दोस्तों अभी शहादत भाई थोड़ा बिजी हो गए हैं, क्योंकि एक ग्राहक वहां पर आ गए थे, तो उनसे हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके इस दुकान का जो है देख लेते हैं और इसका एक टूर देख लेते हैं। तो यहां पर क्या क्या सामान मिलता है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर सारे प्रकार के हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन, इस तरह के शैम्पूज रखे हुए हैं, आपके जो है एरियल जो है लिक्विड सोप वगैरह यहाँ रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए टाइड वगैरह, इस तरह के सारे साबुन, और घर जो आप नॉर्मल जो शैम्पूज और सोप यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलते हैं। आप थोड़ा सा और आगे जाएं तो यहाँ पर आपको जो है ऑयल वगैरह सारा रखा हुआ मिलेगा, कुकिंग ऑयल। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल भी रखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं नेस्कैफे कॉफ़ी, यहाँ आप मैगी के सूप वगैरह यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। दोस्तों ये जो सेक्शन है नीचे का, इसमें अचार वगैरह और इस तरह के सारे आइटम रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये जो सेक्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट ऑफ हनी है, और यहाँ पर मेयोनेज वगैरह काफ़ी रखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं मैगी के जो टेस्ट मेकर्स है, इस तरह के सारे सामान यहाँ पर रखा हुआ है। ये इस जगह में आप देख सकते हैं चावल है, आटा है, और जो भी घर में जो हमें सामान लगता है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कॉर्नफ्लेक्स का वगैरह का सेक्शन है, और इस तरह का सारा सामान यहाँ पर मिलता है दोस्तों। ये जो है आटे का सेक्शन है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर हम थोड़ा सा और अंदर जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रोज़न जो है फ़िश वगैरह यहाँ मिल जाता है, और ये जो फ़िश है इंडिया से, बांग्लादेश से वगैरह आता है। आप देख सकते हैं इस फ्रीज़र के अंदर बड़े बड़े फ्रोज़न फिशेस रखे हुए हैं, जिनको ये काट करके देते हैं लोगों को। दोस्तों ये जो सेक्शन है यहाँ पर आपको मैक्रोनी और इस तरह के जो भी है ब्रेड वगैरह जो है वो सारा चीज़ मिल जाएगा। आप देख सकते हैं अगर आप पनीर के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पनीर भी मिल जाता है दोस्तों। और यहाँ पर काफ़ी सारे इस तरह के रेफ्रिजरेटर्स हैं जिसके अंदर सामान भरा हुआ है। यहाँ पर ये सारे मसाले हैं दोस्तों, यहाँ पर हल्दी है, आपको दूसरे खड़े मसाले यहाँ पर आपको दिख जाएंगे दोस्तों। ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर सोयाबीन बड़ी भी थी, और यहाँ पर सारा आप देख लें प्रिंगल्स वगैरह जो है, चिप्स यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास रस्क है दोस्तों, ये भी आप यहाँ से ले सकते हैं, और अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर बिस्किट्स हैं, यहाँ पर आपको चिप्स और जो फ्राइज़ है वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ये गुड डे, ब्रिटानिया का गुड डे भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, दूसरे डाइजेस्टिव बिस्किट्स यहाँ पर रखे हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह यहाँ पर सारे चीज़ मिलते हैं, विशेषकर जो है इस रेफ्रिजरेटर में आप देखें तो जूस
आइटम है। यहाँ पर आपको वेजिटेबल्स भी, फ्रेश वेजिटेबल्स भी मिल जाते हैं दोस्तों, जो कि इन्होंने जैसे बताया कि ये पैक करके रखते हैं और ताकि हम डायरेक्ट जाकर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जूस जो है काफ़ी, एक एक लीटर के जूस के बड़े बड़े टेट्रा पैक्स भी मिल जाते हैं। ये आपके दूसरे कंपनी के जूस और दूध वगैरह का सारा आइटम यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो इस तरह का यहाँ पर आप चाय भी पी सकते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर सॉफ्ट फील्स डालते हैं तो आपको चाय मिल जाती है यहाँ। किस शादत भाई ये बताइए कि आप यहाँ पर मतलब अभी बकाला आपने यहाँ पर शुरू किया है, तो आपके मतलब यहाँ पर कितने लोग काम करते हैं कुछ बताएं तो? इधर 5 आदमी है। आपके यहाँ 5 आदमी तो आपके यहाँ अभी क्या होम डिलीवरी वगैरह भी देते हैं आप लोग? इंशाल्लाह होम डिलीवरी इंशाल्लाह देते हैं और अच्छे से चलता है। अच्छा, तो घर पे ले जाकर अगर कोई कॉल करे तो आपको सामान घर पर पहुंचाते हैं? अच्छा, ठीक है। तो आप मतलब जो है यहाँ पर क्या क्या सामान मिलता है, मतलब क्या क्या है ये थोड़ा सा बताएं? डिफरेंट डिफरेंट में हर सामान सर, मतलब इंडियन लोगों के लिए, फिलिपिनो लोगों के लिए जो भी खाने का सामान है सारा कुछ यहाँ पर मिलता है। हर आइटम मिलता है। अच्छा अच्छा, तो आप मेरे को ये बता सकते हैं क्या क्या यहाँ पर जो है बकाला आपको कैसा अभी नुकसान में चल रहा है कि प्रॉफिट? अल्हम्दुलिल्लाह इधर अच्छा चल रहा है। 98 सितंबर से इंशाल्लाह शॉपिंग मॉल सुपर मार्केट से हम लोग बहुत कुछ बनाए, इंशाल्लाह बहुत कुछ मिल गया, इंशाल्लाह खैर अच्छा है। अच्छा 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 चला, अच्छा, सब कुछ अच्छा चलता है। तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा। तो आपके यहाँ CCTV कैमरा वगैरह भी सब लगा, सब सिक्योरिटी वगैरह सब लगा हुआ है, तो वो भी अच्छा है। तो आपके यहाँ जैसे सामान आता है तो आप इसके ऊपर क्या स्टिकर लगा करके कैसे इसका प्राइस, कॉस्ट कितना खरीदे कितना सेल करेगा, ऐसा हम लोग हर सामान का प्राइस स्टिकर मार कर रखता है, स्टिकर मार कर रखते हैं और उसके हिसाब से आप लोग सेल करते हैं। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको यहाँ मतलब ये भी थोड़ा मैंने देखा कि काफी साफ सफाई है और आप यहाँ साफ, हम लोग कोशिश करते हैं अच्छा पूरा साफ सफाई मेंटेन करके, जिस तरह आपका मतलब यहाँ का जो जो काउंसिल है वो बोलता है उसके हिसाब से आप पूरा चीज उसको जी उसका फॉलो करते हैं रूल्स। जी जी, इधर का रूल हम लोग हमेशा ही फॉलो करते हैं, इधर का जो कुवैत का जो रूल चल रहा है वो हिसाब से हम लोग सब सामान का फ्राई एंड सफाई हम लोग सब कुछ सही रखते हैं, सब कुछ सही करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको मतलब क्या चैलेंजेस लगता है, मतलब क्या कठिनाई है अगर ऐसा कोई दुकान यहाँ पर कभी आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम होता है, कैसे कोई बाहर से आके कोई जोर जबरदस्ती करता है? प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह, इधर का गवर्नमेंट अच्छा है, कुवैत का गवर्नमेंट बहुत ऑनेस्ट है, अच्छा है, हम लोग का कोई मुश्किल नहीं है इधर। हम लोग जितना आदमी इधर बिजनेस करते हैं सिर्फ हमारे बिजनेस में इधर अच्छा है, हमारी ओनर अच्छा है, इधर लॉ अच्छा है, हम लोग सब रेस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, तो आप छुट्टी कब कब जाते हैं थोड़ा सा बताएंगे? कभी टाइम मिलता है तो एक साल में जाता है, एक साल में दो तीन चार महीना, दो तीन चार महीना रुकता है फिर आता है। अभी कोरोना के बाद में कोरोना के बाद से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए थोड़ा कभी कभी लेट होता है, तो हर दुनिया को मालूम है। अच्छा, वेजिटेबल वगैरह आप लोग कैसे मतलब ला करके तौल के यहाँ पर डिफरेंट पैकेट वेट करके हम लोग सेल करता है? अच्छा, वेट करके उसको डिफरेंट पैकेट्स में रख के आप लोग? जी 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 जी, तो मतलब अगर कोई ग्राहक यहाँ आता है तो उसको सिर्फ एक पैकेट सीधे उठा के ले जाने की जरूरत है, उसको कुछ वे करने की जरूरत नहीं उस समय? एक्चुअली हम लोग रेडी करके रखते हैं, रेडी करके सेल करते हैं। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात किया। हमने अभी देखा कि हमने इनके ओनर से अभी बात किया यहाँ पर और उन्होंने बताया कि क्या क्या यहाँ मिलता है और किस तरह का यहाँ सब सामान है। आप लोगों आपने देखा कि किस तरह का बहुत ही खूबसूरत, बहुत छोटा एक बकाला है लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। और अभी जो है इन्होंने जो है ये जो कोरोना का प्रोटोकॉल है वो सारा भी कुछ फॉलो किया हुआ है इन्होंने। तो दोस्तों आपने मेरे इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर इसे दूसरों तक भी शेयर करें। अगर आप कुवैत में हैं और यहाँ आसपास हैं तो इस बकाला में ज़रूर आएं और शॉपिंग करें। और अगर आपको भी इस तरह का कोई बिज़नेस कुवैत में खोलना चाहते हैं तो अभी भी आप खोल सकते हैं और इस तरह का बिज़नेस आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को देखा, इसी तरह मेरे वीडियोज़ को देखते रहें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बाय बाय।